अस्सलाम वालेकुम। कराची में तीन बच्चों के बाप को घर में ज़बह कर दिया गया। लर्जा खेज वाकये पर पूरा शहर खौफजदा, इलाका मकीनों में खौफ और इरास फैल गया। क्या आप हालात हाजरा से आगाही हासिल करना चाहते हैं, खबर के पीछे छुपे असल हकाइक जानना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए दिलमिल पाकिस्तान को और साथ ही घंटी के निशान पर क्लिक कर दें। आपको बताते चलें कि सरजानी टाउन के इलाके मकान नंबर R31 सेक्टर 7A के रिहायशी तीन बच्चों के बाप को नामालूम अफराद ने घर में घुसकर जबा कर दिया। मकतूल LPG की तीन दुकानों का मालिक था। बीवी और बच्चे ससुराली रिश्तेदार की शादी में गए हुए थे। मकतूल की शनाख्त 45 साल अब्दुल साजिद वल्द अब्दुल शाहिद के नाम से की गई। मकतूल के छोटे भाई मोहम्मद साजिद ने बताया कि मकतूल तीन बच्चों, दो लड़कों और एक लड़की का बाप था। अब्दुल साजिद की रस्सी से हाथ पांव बंधी, खून में लथपथ, गला कटी लाश घर से मिली। इलाका मकीनों के बयान के मुताबिक तीन अफराद ने घर में घुसकर अब्दुल साजिद को कत्ल किया। वाकिया पुरइसरार है, ताहम पुलिस तहकीकात के बाद हकाइक सामने आएंगे।